हरिओम, नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। संस्कृत प्रश्नोत्तरी के क्रम में हम लोग का पहला वीडियो आपने देखा ही होगा, उसी क्रम में आज हम लोग दूसरा वीडियो अपना शुरू करते हैं। और समय का जो अभाव हो गया था, वहीं से हम लोग फिर से अपना उपक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था 10 प्रश्न तक हम लोगों ने देखा था कि एकदम मनोहर चतुर्लभम वचः। इस प्रकार ये जो प्रश्न हमने देखा था, इसका सही उत्तर था किराता और जूनियम। ठीक है ना, ये था पहले वीडियो में हम लोगों ने इतने तक चर्चा कर ली थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहां से। 11 नंबर जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि तिंग प्रत्यय, ठीक है, पूछ रहा है कि भैया तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय है, ठीक है ना, तिंग प्रत्यय, ठीक। तो तिंग प्रत्यय जो है, तिंग प्रत्यय कितने हैं कि अंत, ठीक, ये प्रश्न पूछ रहा है तिंग प्रत्यय कितने हैं। तो आपको बताना है कि 9 है, कि 16 है, कि 18 है, कि 20 है, ठीक है, ये प्रश्न है। आपको बताना है कि तिंग प्रत्यय कि अंत माने कितने हैं। इसका सही उत्तर है, सही उत्तर है इसका 18। क्या है सही उत्तर इसका? 18 है, ठीक है ना। प्रश्न आपके सामने है, इसको आप सभी देखिए कि तिंग प्रत्यय के अंत तिंग प्रत्यय कितने हैं। तो तिंग प्रत्यय 18 है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो 12वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रीति आत्मा काव्यस्य इति कस्य मतम, ठीक है, माने ये जो रीति है, रीति आत्मा काव्यस्य माने काव्य की आत्मा क्या है, तो रीति कह रहे हैं, ठीक है ना। किसी ने कहा कि भैया काव्य की आत्मा क्या है, काव्य जो है, इस काव्य की आत्मा क्या है, तो काव्य की आत्मा किसी ने कहा अलंकार है, ठीक है, किसी ने अलंकार कहा, किसी ने कहा कि काव्य की आत्मा क्या है, तो किसी ने कहा काव्य की आत्मा रीति है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ठीक, इस प्रकार से है। जो हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, तो काव्य शास्त्र में बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ाया है वीडियो में, आप सभी जाकर के देख सकते हैं, जाकर के देखिए कहां से, जब आप कोर्स खरीदेंगे फिर आप देख पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको बढ़िया से पढ़ना है, तो आप बीएचयू पाठशाला में एमएस संस्कृत का कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। फिलहाल अभी 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, रीतिरात्मा काव्यस्य इति कस्य मतम, ये किसका मत है, ये आपको बताना है कि रीति आत्मा काव्यस्य, ठीक है, काव्य की जो आत्मा है रीति, इसे कौन आचार्य इसको कहते हैं, या किसका मत है, कौन इसे मानते हैं। तो भैया रुद्रट लिखा है, भामह लिखा है, वामन के उद्भट, इन चारों में से कौन है जिनका ये मत है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो वामन इसका सही उत्तर है, क्या है, वामन इसका सही उत्तर है, ठीक है। सबसे पहले आचार्य दंडी आते हैं, फिर आचार्य भामा आते हैं, ऐसे अनंतर ऐसे कई सारे आचार्य आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब भामा जो है, भामा अलंकार संप्रदाय के आचार्य है, किसके, अलंकार संप्रदाय के, ठीक है ना, अलंकार संप्रदाय के, ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य है भामा। वामन ने रीतिरात्मा काव्य से कहा, ठीक है, ये हम लोग इसका उत्तर हम लोग देखे। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगला प्रश्न है क्या हमारा, ठीक है ना, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर जो प्रश्न है, उसमें पूछ रहा है कि सुक्रियम में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, ठीक है, सुक्रियम जो है, उस सुक्रियम में जो हमारा प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आपको बताना है खन प्रत्यय है, घय प्रत्यय है, क्षम्यताम, घई प्रत्यय है, घन प्रत्यय है, कि सुप प्रत्यय है, आपको बताना है। तो आप प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय पढ़े होंगे, तो बहुत बढ़िया से बता ले जाएंगे कि भैया सुक्रियम में कौन सा प्रत्यय है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप बताइए कि सुक्रियम में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और यदि आंसर नहीं दे पाएंगे, तो अगले वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा कि सुक्रियम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटके कति संध्या भवन्ति, माने नाटक में कितनी संध्या होती है, यहाँ ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो कितनी संध्या होती है, ये आपको बताना है। तो भैया 2 संधि होती है, 3 होती है, 9 होती है, कि 5 होती है, कितनी संध्या होती है नाटक में। वो व्याकरण वाली जो संधि है कि 3 संधिया, वो ठीक है, वो वाली संधि नहीं पूछ रहा है, लिखा है कि नाटके माने नाटक में कितनी संधिया होती है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नाटक में 5 संधिया होती है, ठीक, कितनी, 5 संधि, इसमें है कहीं 5 का आंसर है, 4 नंबर जो है ये उत्तर आपका सही है। अब वो 5 संधिया कौन कौन सी है, तो ये भी आप जान लीजिए,
कि पांच संधियां जो है वो है मुख, ठीक है, मुख, दूसरा है प्रतिमुख, ठीक है, इसको क्रम से याद कीजिएगा आप सभी लोग, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, ठीक है, विमर्श और निर्वहन, विमर्श और निर्वहन, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा और ये पांचवा, ठीक, इस प्रकार से ये मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। विमर्श को अवमर्श भी कहा गया है, ठीक है, विमर्श को अवमर्श भी कहा गया है, और निर्वहन को उपसंहृति भी कहा गया है, ठीक, यहां पर तो कहीं कहीं निर्वहन लिखा मिलेगा, कहीं की उपसंहृति मिलेगा, कहीं विमर्श मिलेगा, कहीं अवमर्श मिलेगा, बाकी ये तीनों क्रम से ऐसे ही रहेंगे। तो ये पांच संधियां हैं कि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, विमर्श को अवमर्श, निर्वहन को उपसंहृति भी कहते हैं। इस प्रकार से नाटक में कितनी संधियां होती हैं, तो भैया नाटक में पांच संधियां होती हैं, वो कौन कौन सी है ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से चार नंबर जो चौथा मैदान, चौदह नंबर जो प्रश्न है, उस चौदह नंबर प्रश्न का आंसर जो है वो आपका चार नंबर आंसर है कि नाटक में पांच संधियां होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी है तो आपके सामने। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है, पंद्रह नंबर में है कि कर्तुरी इप्सितम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहण से प्रयोजनम अस्ति, इसका क्या प्रयोजन है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। कर्तुरी, कर्तु इप्सितम कर्म, ठीक है, माने कर्तुरी इप्सितम कर्मेति सूत्रेण, इस सूत्र से ये पूछ रहा है कि इस सूत्र से कर्म ग्रहण से प्रयोजनम अस्ति, माने कर्म ग्रहण का प्रयोजन क्या है, माने प्रयोजन है ऐसा पूछ रहा है, तो क्या है आप बताइए। अरे अनिप्सितता निवृत्ति ही कि इत्थम भूताख्या निवृत्ति, आधार निवृत्ति ही कि आधार प्रवृत्ति ही, आपको इसका उत्तर बताना है। पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है, पंद्रह नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कर्तु इष्टतम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहण से प्रयोजनम अस्ति, इसका क्या प्रयोजन है, तो भैया इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसका तीन नंबर है कि आधार निवृत्ति ही, ठीक है, आधार निवृत्ति इसका उत्तर है इस पंद्रह नंबर प्रश्न का, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न, एक प्रश्न है कि यथारूपम पदमे समास है, ठीक है, माने इस जो समास है, ठीक है ना, यथारूप, इस यथारूप में कौन सा समास है, भैया अव्ययी भाव है, द्विगु समास है, द्वंद समास है कि बहुव्रीहि समास है। आप सभी समास पढ़े ही होंगे, बहुत बढ़िया से आप समास मैंने पढ़ाया भी है, और भी आप लोग कहीं से भी या स्वतः से भी पढ़े होंगे, तो बताइए कि यथारूपम पद में समास क्या है, ठीक है, यथारूपम पद में समास क्या है, अव्ययी भाव है कि द्वंद समास है कि बहुव्रीहि है कि द्विगु है, कौन सा समास है यथारूपम पद में, आपको बताना है यथारूपम पद में समास क्या है, ठीक है, बताइए आप लोग। द्वंद समास है, गलत है, द्वंद समास नहीं होगा, इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास, माने यथारूपम, ठीक है, यथारूपम अव्ययी भाव समास, जब प्रथम पद में अव्यय लगा है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। 16 नंबर जो प्रश्न है, अव्ययी भाव समास इसका उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है कि विष्णवे का संधि विच्छेद है, विष्णवे, विष्णवे जो शब्द लिखा है इसका संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, तो भैया विष्णु प्लस ए है, विष्णु प्लस ए है कि विष्णु प्लस अय है कि विष्णु प्लस अवे है, क्या इसका उत्तर होगा, आपको बताना है। पूछ रहा है कि विष्णवे ये जो पद है, इस ये जो पद है विष्णवे, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, संधि विच्छेद पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर दो नंबर है, ठीक है, इसका सही उत्तर कि विष्णु प्लस ए विष्णवे का संधि विच्छेद, ठीक है। अब इस प्रश्न के अनंतर हम लोग पढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया, 18वें नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछ रहा 18 नंबर कि यकार का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, यकार का उच्चारण स्थान क्या है, आप सभी ने लव सिद्धांत कौमुदी के शुरुआत में ही उसमें है ये सब, सीताराम आपको इसका उत्तर बताना है कि यकार का उच्चारण स्थान क्या है। आप सभी जानते हैं कि
अकु विसर्जनीयाम कंठा इचुषाणाम तालु ऋतुषाणाम मूर्धा ठीक है लीदुषाणाम दंता ए दे तो कंठ तालु ओ दे तो कंठो। तो इस प्रकार का जो सूत्र है उसमें है कि यकार माने य तो अकु विसर्जनीयाम कंठा इचु यशाणाम तालु ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा तालु ठीक है, इसका उत्तर तालु होगा ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18 के बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न आया है कि अथर्वेदीय ब्राह्मणम किम माने अथर्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है ठीक है ना, अथर्वेद का ब्राह्मण है वो क्या है, इसमें से प्रश्न पूछ रहा है अथर्वेद का ब्राह्मण क्या है ठीक है। आपको बताना है कि अथर्वेद का ब्राह्मण इसमें से कौन सा है, ऐतरेय ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है, सांख्यायन है कि ताड्य ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण सभी जानते हैं ऋग्वेद का है, गोपद ब्राह्मण किसका है, ताड्य ब्राह्मण किसका है और सांख्यायन ब्राह्मण किसका है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप सभी लोग जानते होंगे ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है गोपद ब्राह्मण ठीक है, सही उत्तर है गोपद ब्राह्मण। अथर्वेदीय ब्राह्मण कौन सा है तो गोपद ब्राह्मण है ठीक है। आप सभी लोग इसको देखें और अपनी तैयारी को क्रम से करते रहें, क्योंकि बिना तैयारी के आप समझिए कि रण में उतरना है तो वहां पर उतरने पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, अपना मेहनत नहीं करेंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है ठीक है। जब अत्यधिक आप रगड़ करेंगे तो जाहिर सी जैसे जो वरदराज इनको वर्धराज कहा जाता है तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत स्थान रसरी यावत जाते सिल पर निशान। तो बार बार अभ्यास करने से, सनह सनह अभ्यास करने से, मुहर मुहर लगातार धीरे धीरे अभ्यास करने से जो नहीं आता है वो आ ही जाएगा, निश्चित है कि आएगा। क्यों, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन पे होई ठीक है। चंदन अत्यधिक शीतल होता है लेकिन जब अत्यधिक घर्षण होता है, रगड़ होता है तो उस शीतल चंदन में भी अग्नि प्रज्वलित होती है ठीक। उसी प्रकार से आपको भी रगड़ करना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और अपनी सफलता को प्राप्त करनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न है। इस 20 नंबर का जो प्रश्न ये क्या है, रथंतर जिसका प्रकार है वो है ठीक है। रथंतर किसका प्रकार है तो आपको बताना है कि भैया ये जो रथंतर लिखा है, रथंतर किसका प्रकार है, जिसका प्रकार है वो है सामगान स्तुति यज्ञ की रथ स्तुति है ठीक है। आपको बताना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है कि इसका उत्तर कौन सा है ठीक है ना। तो सभी जानते हैं कि जो रथंतर है इसका संबंध किससे है, हाँ ठीक है ना, रथ इसमें लिखा है, रथ इसमें भी है ना, तो उत्तर तो यही होगा। क्यों उत्तर भैया देखिए, रथ इसमें है, रथ इसमें है, तो तुक्का मार दीजिए फट से इसे, हाँ कुछ नहीं करना है, एकदम देखिए रथ रथ लिखा है तुरंत तुक्का मारिए, ऐसे तुक्का मारोगे वो लुल्ल हो जाओगे ठीक, कहोगे लुल्ल हो जाओगे। तो ऐसे तुक्का नहीं मारना है कि रथ इसमें लिखा है, रथ इसमें लिखा है, बस ये दोनों हो जाएगा, नहीं गलत हो जाओगे। इसीलिए कहा कि मेहनत करो ठीक है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा ये ठीक है, इसका उत्तर सामगान होगा ठीक है। इसी के साथ, सामगान के साथ हम लोग अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ये आज का हमारा अंतिम, हाँ ठीक है, तो ये आज का हमारा अंतिम सवाल था और इसी अंतिम सवाल के साथ हम लोग अपनी कक्षा को यहीं पर स्थगित करते हैं, स्थगित का विराम देते हैं। अगली कक्षा में फिर हम लोग मिलेंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, बीएचयू पाठशाला से जुड़े रहिए और लाभान्वित तो होते रहिए, लाभ उठाते रहिए, कहीं से मिले, फ्री मिले, कुछ मिले, कहीं से भी मिले, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरा काम है, बस आप लगे रहिए, हम भी लगे हुए हैं और हम दोनों की मेहनत से सफलता आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। प्रश्नों की जो श्रृंखला आपके लिए लाई जा रही है, उस प्रश्नों की श्रृंखला में लगातार जुड़े रहिए, अन्य लोग को भी जोड़िए और संस्कृत की सेवा करते रहिए। और इसी के साथ हरिओम नमो नमः।